सभागार में सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मंच पे मेरे साथी जस्टिस मिश्र जी और बहन निकापल्ली जी, जगताओं के जो नेता हैं श्री अनंत कुमार मिश्र जी, श्री रोहित पांडे जी, श्री कामेश्वर मिश्र जी, श्री अतुल भाई कोठारी जी, अनंत कुमार मिश्रा जी ने कहा मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, भूल गए ये बोलना कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। और सही बात तो ये है कि मैं जिस माटी से अनंत कुमार मिश्रा जी आते हैं उस माटी को सलाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने उस माटी के एक सपूत को यहाँ देखा तो मैं घबरा गया, उनके सामने क्या बोलूँगा। एक नॉलेज करता हूँ मैं, यदि हिंदी में स्टेज से बोलने की अगर मुझ में थोड़ी बहुत क्षमता आई है तो उस प्रदेश से ही आई है। और सभागार में मैंने आज देखा पुराने अपने एक साथी को, देखिए मैं जो को बोल रहा हूँ आप पहले से ही माफ़ी आपसे मांग लेता हूँ, गलत बोलूँगा सही बोलूँगा आप मुझे क्षमा करिए। मैं परिवार में बैठा हूँ, वकीलों में बैठा हूँ, तो जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, मेरी दिल जुबान और सोच एक रहती है, एक ही होगी और वो इसे उसी तरीके से बोलूँगा। तो मैंने जब सभागार में मिस्टर देव को देखा बैठे हुए तो मुझे अपने 3 साल पहले बिहार में अपना जो एक हिंदी में क्या बोलेंगे मालूम नहीं है, एक एपिसोड हुआ वही स्मरण, उसका स्मरण, एक घटना हुई तो उसका मैंने स्मरण किया। इस बात में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि संविधान के भाग 17 में जो 11 अटकल लिखे हैं और एक शेड्यूल में जो भाषाएं दे रखी हैं उसमें बात होनी चाहिए, इसमें तो कोई दोराय हो ही नहीं सकती। पर कभी कभी हम बहुत गलती कर जाते हैं और वो गलती मैंने की बिहार में। जब देव जी ने कहा कि मेरी आप पिटिशन को आप हिंदी में सुनिए तो मैंने इनको इनकार किया। 1 साल के बाद मुझे एहसास हुआ और मैंने पश्चाताप भी किया और प्रायश्चित भी किया और बिहार में चीफ जस्टिस हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में हिंदी में कोई अगर बहस करना चाहे तो वो परमिट हुआ। और वहाँ की जो हिंदी है वो इतनी संस्कृताइज्ड हिंदी है कि मैं नहीं समझता हूँ कि आम आदमी भी उसको समझ सकता है। तो हाँ सही बात है, तो मुझे अपने साथी से पूछना पड़ता था कि भाई आप ट्रांसलेट करिएगा हर डॉक्यूमेंट जो आता। तो देव जी आपको देख के मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, और सही मायने में आप मेरे शिक्षक हैं, ये मैं आज एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। हिमाचल का रहने वाला, हिमाचल से त्रिपुरा गया अलग भाषा, बिहार गया तो अलग। हमारी बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी माताजी वो पढ़ी लिखी 8वीं तक एक स्कूल था आर्य समाज स्कूल,
वहाँ तक पढ़ी थी, वो हिंदी पढ़ लेती थी, संस्कृत में विद्वान थी, पढ़ी लिखी नहीं थी पर संस्कृत में विद्वान थी, पर उनका शौक ये था कि भाई हमारे बच्चे आगे चल के आगे बढ़े कुछ अच्छे लोग। तो हिमाचल प्रदेश में क्योंकि शिमला समर कैपिटल था, अच्छे अच्छे स्कूल थे, तो उन्होंने हमें अंग्रेज़ी स्कूल में अंग्रेज़ी में पढ़ाई हुई, अंग्रेज़ी से कॉलेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी करके प्रैक्टिस में आ। सच कह रहा हूँ आपसे, जिस दिन हमारा जज बनने का जो वारंट आया और वारंट उन्होंने हिंदी में पढ़ा, तो उस दिन उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे को सही शिक्षा दी। हमारा वारंट तो अंग्रेजी और हिंदी में ही आता है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। राष्ट्रपति जी का हस्तक्षर साइंड वारंट होता है, तो हिंदी तो एक आम आदमी की भाषा है, इसमें तो कोई दो राय। जहाँ तक भाषाओं जो एक शेड्यूल में दे रखा है उन भाषाओं में काम होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मालूम नहीं है इतना इतनी चर्चा क्यों हो रही है, अगर आप चले जाएं तो आज भी हर कोर्ट में उसी भाषा में काम होता है जो वहाँ की लोकल भाषा है, उसी भाषा में काम होता है। आप नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, हमारे पास आज भी जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो ट्रांसलेटेड करवाने पड़ते हैं, गुजरात के हों, कर्नाटका के हों, केरला के हों, बिहार के हों, नॉर्थ ईस्ट के हों, तो ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। तो न्याय कोर्ट्स की जो भाषा है वो लोकल भाषा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिक्कत कहाँ है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पहले माफ़ी मांग के ही आगे बढ़ रहा हूँ। दिक्कत ये है कि हम यहाँ किसके लिए हैं, ये हमें हमेशा याद रखना है। जब हम कह रहे हैं तो हम और आप दोनों एक ही, मैं हमेशा कहता हूँ, चैरिट के दो पहिए हैं। हम यहाँ उस आदमी के लिए हैं जिस सब की बात यहाँ सबने की, ये मजाक की बात नहीं है, मेरा भी अनुभव रहा है, हम सब वहीं से आए हैं। जब अपील, जब केस खारिज हो जाता है तो क्लाइंट पूछता है वकील साहब से क्या हुआ, तो कहते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुमति दे दी गई है। तो उसको कौन बताएगा, उसको कौन समझाएगा, सच्चाई है ये। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध ये है, आप सबसे अनुरोध ये है कि हमें जो अपना दायित्व दिया गया है उसको पूरा निभाए, पूरा करें। मैंने आज तक बहुत कम वकील साहब देखे हैं जो इस प्रोफेशन में डटे रहे और सफल नहीं हुए और घर वापस चले गए, काम बदल गया, कोरोना का टाइम छोड़, लेकिन जो जो हमारे साथी रहे प्रैक्टिस में वो हमेशा सक्सेसफुल ही हुए। पहले साल उनको थोड़ा हिंदी में शब्द सही नहीं होगा पर क्या बोलेंगे, रगड़ाई करनी पड़ती है। तीन साल में कोई इंसान वाहन ले लेते हैं, स्कूटर ही सही। पाँच साल में उनकी शादी हो जाती है, और सच्चाई ये है कि 10 साल में उनका अपना घर या तो किराए का होता है, दफ्तर होता है और सक्सेस होता है, सक्सेसफुल होता है। अब कितनी वो सक्सेस ले पाएंगे और सक्सेस किसको आप कहते हैं, ये अपना अपना इंडिविजुअल।
हमें ये याद रखना है कि हमें कौन सी भाषा बोलनी है, और इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। हमें भाषा बोलनी है न्याय की। हमें भाषा बोलनी है प्रेम की, और हमें भाषा बोलनी है अपने आचरण की। अगर हम ये तीन भाषाएं बोलते हैं लगातार निरंतर, तो कोई मत नहीं है, कोई मेरे दिल में संदेह नहीं है कि जो 11 आर्टिकल पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें पिछले 75 साल तो हमने बिता दिए, लेकिन अगले 10 साल में हम उसको तय कर सकते हैं। हमारा दिल, हमारी सोच और हमारा दिमाग, जैसे बहन और भाई साहब ने भी कहा, एक होना चाहिए। और वो केवल यही है, उस गरीब आदमी के आंसू जो देहात से आता है, मैं हर जगह बोलता हूँ कि हमारी सोच जो है, चाहे वो लेजिस्लेटर्स की सोच हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सोच हो, वो मेट्रो सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। वो उस हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली केवल दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, मद्रास के लिए नहीं है, सारे क्षेत्रों के लिए है। बिहार का 38 जिले, हर 38 जिले में मैंने खुद न्याय घूम के देखा। त्रिपुरा के 8 जिले, हर सब डिवीजन तक जाते। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश में भी गांव गांव तक जाते, सब डिवीजन तक देखा, क्या हमारी वहाँ पे व्यवस्था है, क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़रूरत है या नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो यंगर जनरेशन आई है, बड़े भाग्यशाली हैं। जिक्र किया जिसका मनन मिश्रा जी ने, कि उन्होंने एक जो ये बनाई है भारतीय भाषा समिति, वेबसाइट पे आप जाके उसको इस्तेमाल करें और देखें। और एक आपको और मैं चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, आप बड़े लकी इसलिए हैं कि जब हमने प्रैक्टिस ज्वाइन की तो ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ता था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 में एक ऐप डेवलप किया, भाषणी। मुझे मालूम नहीं है कितने लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, जुगलबंदी और भाषणी, मैं उसका प्रयोग करता हूँ। और आप करके देखिएगा, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप अंग्रेज़ी में बोलेंगे और वो ट्रांसलेटेड वर्जन आपके पास होगा। तो मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप इन ऐप्स का, जो भी ऐप्स हों, उनको आप, ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, प्राइवेट ऐप्स भी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी को, ताकि हम जितनी भी जल्दी लोगों को है न्याय मिल पाए, ऐसा हमारा प्रयास रखना चाहिए। मनन मिश्रा जी यहाँ पे हैं, मेरा आपसे अनुरोध ये है, लीगल एजुकेशन, देखिए हम सब कोर्ट्स में भाषा जो अंग्रेज़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फाउंडेशन तो लीगल एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो भाषा में, और ख़ास करके नेशनल लॉ स्कूल्स में, अगर आप हिंदी में, संस्कृत में या लोकल लैंग्वेज में आप नहीं एज अ सब्जेक्ट टीच करेंगे, तो आगे चल के वो कैसे फिर वो लैंग्वेज को। तो एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, कार्यक्रम जिन्होंने आयोजन किया उनको बधाई देते हुए बात और कहना चाहता। बार बार आप कहते हैं हिंदी की भाषा, बार बार आप कहते हैं ये भाषा वो भाषा, कभी सोचिए वो लोग जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनकी भी तो भाषा है। और कोई अगर मुझे इसमें थोड़ा मदद करे तो मैं वो भाषा ज़रूर सीखना चाहता।
और एक बात और कहता हूँ, भाषा को आप नॉइज नहीं बनाइएगा। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं या तो 1913 में बनी हुई राजा हरिश्चंद्र देखता हूँ, या फिर वो जो अपनी जो कार्टून रहती है तो मैं उसको देखता हूँ। उसमें कोई भाषा नहीं होती है सिवाय म्यूजिक की, तो वो परफेक्ट तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः आपको बधाई देता हूँ।